स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से हमें अपने पेपर करना चाहिए, जो पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि जो टीचर है वो एकदम से अट्रैक्ट हो जाए, और किस प्रकार से आपको जो पेपर है उसमें लिख के आना है। कुछ हम टिप्स बताएंगे इसमें, तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं किस तरीके से हमें जो पेपर है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट को किस टाइप से पेपर करके आना चाहिए। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे सेक्शन डिवाइड होते हैं। हर क्वेश्चन पेपर में ये होता है, ए बी सी डी इस प्रकार से जो सेक्शन डिवाइड होते हैं, खंड, कै खै गै। तो हमें क्या करना है, अगर आपको लगातार क्वेश्चन आते हैं उस सेक्शन में, जो सेक्शन, जैसे कि मान लीजिए खंड क्या है, सेक्शन ए है, उसमें अगर आपको लगातार क्वेश्चंस आते हैं उसके, तो क्या करने हैं आपको, सबसे पहले ऊपर ऐसे खंड क्या डाल लेना और बॉक्स बना देना है। पहले बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, पहले बॉक्स बना देते हैं, पहले आपको पूरा लिखना है और उसी के बाद क्या करना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो टीचर को देखते ही वो अट्रैक्ट हो जाएगा, उसे अलग से दिख जाएगा कि इस बच्चे ने सेक्शन क्या है, जो सेक्शन ए है, खंड क्या है, वो पहले अटेम्प्ट कर रखा है। तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर क्या करना है, जो भी आप आंसर लिखें, तो उसमें हमारा जो आंसर होगा वो हम बीच में लिखेंगे, हम आंसर बीच में लिखेंगे, जिससे कि फोकस क्या होगा, आंसर पर होगा सीधे, कि कौन सा आंसर है, कौन से नंबर वाला आंसर है। तो जो आंसर है, उत्तर, अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो उसमें उत्तर लिखेंगे आप, ठीक है, और अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो उसमें आंसर लिखेंगे। बस मैं हिंदी लैंग्वेज का कह रही हूं, उसमें उत्तर लिखेंगे, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसमें आप आंसर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। पर जो हिंदी वाले टीचर होते हैं वो ज्यादा प्रभावित उत्तर लिखने पर होते हैं, उत्तर। तो क्या करना है, हमें बीच में यहां पर लिखना है, जहां से हम आंसर स्टार्ट करेंगे उससे ऊपर वाली लाइन जो है वो छोड़नी है, और उससे नीचे वाली लाइन छोड़नी है, और बीच में आंसर लिखना है, कौन से नंबर का आंसर, जैसे कि फर्स्ट यहां पर अटेम्प्ट कर रखा है फर्स्ट आंसर, तो फर्स्ट लिखा है, और फिर गोला कर देना है, अलग से दिख रहा है फर्स्ट है, फिर फर्स्ट वाले का भी कौन सा पार्ट है, तो क्या पार्ट है, तो क्या पार्ट भी लिखा है इसमें, ठीक है, और फिर बॉक्स बना देना है, तो अलग से दिख रहा है ये, ठीक है। और बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चों की सबसे बड़ी गलती जो एग्जाम होता है, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि अपनी जो एग्जाम की जो शीट है, आंसर शीट, उसमें साइड में लाइन कर देते हैं और इस साइड भी लाइन कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि क्यों नहीं करनी है, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो भी, बच्चे बड़ी चालूपंथी करते हैं कि साइड का जो है वो भी आधी लाइन कर देते हैं, यहां से भी और यहां से भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो सोचते हैं कि इससे जो हमारा शीट है वो जल्दी जल्दी भर जाएगी, पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो टीचर्स है वो भी तो पेपर दे के आए हैं, एग्जाम दे के आए हैं, उन्हें भी तो ये सारी ट्रिक्स पता होंगी। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी, आपको लाइन ड्रॉ करनी ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। और जब हम जैसे कि फर्स्ट का क पार्ट पूरा हो गया और ख पार्ट लिखना है फर्स्ट वाले का ही, तो क्या करना है, फिर से हमें यही चीज लिखनी होगी। आंसर खत्म होने के बाद जब हम नेक्स्ट करें, चाहे उसका पार्ट करना, जैसे कि फर्स्ट का ख पार्ट करना, तो आंसर फर्स्ट ख इस प्रकार से लिख के फिर बॉक्स बना देना है। और देखिए बॉक्स किस साइड बना हुआ है, बॉक्स हमारा ये जो लाइन होती है ये, इसमें आप ये लिखेंगे और फिर बॉक्स इस वाली लाइन की आधी और इस वाली लाइन का आधा, फिर बॉक्स बना देना है, ठीक है। इससे आप भी देख रहे होंगे सीधे, आपको पता चल रहा है ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है और ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस आपको बात क्या ध्यान में रखनी है, जो आंसर है वो बीच में लिखना है, उसका नंबर लिखना है साथ में, कौन से वाला आंसर लिख रहे हैं, और अगर उसका कोई पार्ट कर रहे हैं तो वो पार्ट भी लिखना है, ठीक है, और बॉक्स बना देना है जिससे कि अलग से दिखाई देगा। और सेक्शन, अगर आपको जो सेक्शन है उसमें से लगातार कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप सेक्शन भी डालिए ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि आप सोचते हैं कि लास्ट से स्टार्ट करें पेपर या फर्स्ट पेज से स्टार्ट करें, तो आप वो पेपर सबसे पहले, वो क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, पहले आप शांति से पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, आपको 15 मिनट दी जाती है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, तो उसे गवाइए मत, शांति से पढ़ लीजिए। उसमें आपको जोन से क्वेश्चन नहीं आते हैं उस पर आपको स्टिक कर लीजिए, अगर जोन से आते हैं आपको उनमें से, उस पर भी आप निशान लगा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो अलग अलग निशान लगाइएगा दोनों पर, जो आपको आता है उसका अलग निशान रखिए और जो नहीं आता उसका अलग रखिए।
फिर क्या करना है, सबसे पहले आपको वो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन जो आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, सबसे फर्स्ट पेज। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो पहला जो इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है, ये तो आप सभी ने सुना होगा। तो जो फर्स्ट पेज है, स्टार्टिंग के 3-4 जो पेज होते हैं सीबीएसई में, क्योंकि इतनी सारी आंसर शीट होती है और एक दिन में इतनी सारी आंसर शीट जो है टीचर्स एक टीचर को चेक करनी होती है, तो टीचर क्या करता है स्टार्टिंग के पेज अच्छे से चेक करेगा पहले, वो उसे दिख जाएगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है या गंदा लिखा है। अगर वो उन 3-4 पेजों में इम्प्रेस हो गया आपके आंसर शीट से, आपके आंसर से, तो आपका पूरा पेपर बहुत अच्छा होगा, ये आप लिखवा लीजिए। तो स्टार्टिंग के पेज होते हैं वो बेस्ट होने चाहिए, और जो लास्ट के कुछ पेज, जो लास्ट के जो पेज होते हैं वो आपके बेस्ट होने चाहिए, ठीक है, पर मेनली आपके स्टार्टिंग के पेज अच्छे होने चाहिए। अब आप देखिए, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं, पॉइंट्स तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन में लिखने ही होते हैं, ज्यादातर के सारे ही क्वेश्चंस में पॉइंट लिखने होते हैं, बस 1 मार्क्स को छोड़कर, और 1 मार्क्स में आपके आने लगे एमसीक्यू आने लग गए हैं। तो अगर जो पॉइंट्स वाले लिखने हैं तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, जो आप ऐसे लिखेंगे वो तो वही रहेगा बिल्कुल पूरा पूरा जो अभी अभी हमने सीखा है कि किस प्रकार से आंसर डालना है आपको। फिर उसके बाद पॉइंट जब आप लिखेंगे तो पॉइंट फर्स्ट, देखिए मैंने यहां पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी है, तो पॉइंट फर्स्ट यहां पर मैंने पॉइंट लिख दिया है जो मेरा पॉइंट था, फिर उसके उसको एक्सप्लेन किया है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे इस पॉइंट के नीचे मैंने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, इस साइड भी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ये लाइन पॉइंट के नीचे जितना पॉइंट लिखा गया है उसके नीचे जो लाइन है उतनी ही छोड़ दी है मैंने। इससे क्या दिख रहा है, इससे अलग से जो पॉइंट है वो दिख रहा है। तो अगर जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, पॉइंट पॉइंट देख लेते हैं, ज्यादातर पॉइंट देखेंगे, अगर आपके पॉइंट अच्छे हैं वो देख लेंगे कि हाँ पॉइंट लिख रखे हैं और बच्चे ने इतने पॉइंट लिख रखे हैं टोटल, और तो क्या है इससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, टीचर को आसानी होती है पेपर चेक करने से। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो लाइन है वो ड्रॉ नहीं करनी है एग्जाम में, जो आंसर है वो आपको बीच में लिखना है, कौन सा आंसर है वो लिखना है, और अगर उसका कोई पार्ट है तो वो लिखना है पार्ट, ठीक है तो वो लिखना है, ठीक है। तो फिर बीच में ऐसे करके आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है बॉक्स, उसके अंदर होगा, फिर आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। और आंसर खत्म होने के बाद कोई कोई कहता है लाइन ड्रॉ करनी चाहिए पूरी, वो लाइन भी ड्रॉ नहीं करनी है आपको, क्यों, क्योंकि आपका आंसर अलग से दिख रहा है तो पता चल जाएगा कि ये आंसर यहाँ पर खत्म हो गया और नेक्स्ट आंसर आपने स्टार्ट किया। जैसे कि अब यहाँ पर मैं आंसर डाल देती हूँ और कोई क्वेश्चन नंबर है और फिर पार्ट नंबर है, तो मैं ऐसे कर देती हूँ, तो इससे पता चल रहा है ना कि ये आंसर यहां तक का और फिर आपका नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो आपको लाइन वगैरह कोई भी चीज ड्रॉ नहीं करनी है, तो लाइन तो बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करनी है। अगर आपको जो सेक्शन वाइज आपको आंसर आते हैं लगातार किसी भी सेक्शन के, अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं या फिर 2 भी आते हैं किसी सेक्शन के, तो आपको क्या करना है सेक्शन भी क्या करना है बीच में डालना है। अगर ए है तो ए डालिए, बी है तो बी डालिए, तो इस प्रकार से डालना है आपको, ए बी कुछ भी है आपका सेक्शन यहाँ पर डालना है आपको, कौन सा ए है या बी है, तो बीच में सेक्शन और फिर आंसर, फिर स्टार्ट करना आंसर लिखना, ठीक है। और जो पॉइंट है, जो आप यहाँ पर बिंदु बनाएंगे, अपनी पॉइंट बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ की जो नीचे की लाइन है वो आपकी बिल्कुल खाली रहेगी, आप यहाँ पर लिखेंगे फिर इस लाइन से लिखेंगे, तो ये जो है ये बिल्कुल खाली रहेगा पॉइंट के नीचे, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात ये है, जब आप क्वेश्चन पेपर जो है वो पढ़ते हैं तो आपको घबराना नहीं है, ऐसा होता है कि पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप उसे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप दोबारा पढ़िए उसे, फिर से पढ़िए, आपने अगर वो पढ़ रखा है तो आपको जरूर याद आएगा, तो पेपर को देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और फिर क्या करना है, जो भी सबसे अच्छा आंसर आता है वो आपको फर्स्ट पेज पर लिखना है, जो भी सबसे बेस्ट आंसर आता है वो आपको फर्स्ट पेज पर लिखना है, तो 3 से 4 पेज पर आपको बेस्ट आंसर लिखने हैं अपने, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी जितने भी क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको अटेम्प्ट करके आना है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करके आने हैं, चाहे वो आपको आता है चाहे नहीं आता, आपको लिख के जरूर आना है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, सीबीएसई बोर्ड में ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे, सीबीएसई के मिसप्रिंट हो गए थे कुछ क्वेश्चंस, जो सीबीएसई ने गलत टाइप कर दिया, मतलब मिसप्रिंट हो गया था क्वेश्चन पेपर में, तो गलत क्वेश्चन आ गया था सीबीएसई की तरफ से क्वेश्चन पेपर में, तो क्या हुआ, जो बच्चा उसके लिए एक वर्ड भी लिख के आया था, 1 वर्ड भी लिख के आया था, मतलब कि उसने आंसर नंबर डाला और 1 वर्ड भी लिखा उसके बारे में, तो उसे उस क्वेश्चन का फुल मार्क्स मिला था, ठीक है,
फुल मार्क्स मिले थे उस क्वेश्चन के उसे। तो क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन चाहे वो आपको आते हो चाहे नहीं आते हो, आपको अटेम्प्ट जरूर करने हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि अगर बाय चांस आपके समय भी ये हो जाए कि आपके टाइम पर भी ये हो जाए कि क्या पता सीबीएसई से गलती से मिस्टेक हो जाए, मिस प्रिंट हो जाए, क्वेश्चन गलत आ जाए, हमारा जो पेपर है एग्जाम है उसमें क्वेश्चन गलत आ जाए, तो बाद में जो सीबीएसई है वो आपको उसके फुल मार्क्स देती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट जरूर करके आने हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं एक बार आप वो रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बिना रीड करे जाते हैं तो कोई चीज ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती है। इंस्ट्रक्शन आपको एक बार रीड करने हैं और आपको देखना है कि उसमें कहीं पिछली बार क्या था, ब्लैक पेन यूज नहीं करना था और बहुत बच्चे क्या है ब्लैक पेन यूज करके आ गए थे एग्जाम में। तो आपको देखना है और पढ़ना है, और आपको भी देखना है कि जो पेन है कौन सा बता रखा यूज करने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो एडमिट कार्ड में पढ़ लीजिए। अगर ब्लैक पेन यूज करना बोल रखा है आपको तो आप जो पॉइंट्स लिखेंगे वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं बोल रखा है ब्लैक पेन यूज करना, नहीं है कोई एक ही पेन यूज करना है, तो जो पेन आप लेके गए हुए हैं उसी से आप क्या करें पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपने पॉइंट लिख दिया है कोई भी, तो क्या करना है आपको यहाँ पर बस ऐसे दो लाइनें कर देनी है, इसे अंडरलाइन हो गया। अब इसके नीचे आप लाइन छोड़े ना छोड़े वो आपकी मर्जी, क्योंकि इतनी तो छोड़ी दे, अगर और भी छोड़ेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप आंसर अपना यहाँ पर लिख देंगे एक्सप्लेनेशन उसकी। कम से कम तीन चार लाइनों में उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। होता है बहुत बार जो क्वेश्चन होता है एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछे होते हैं, खासकर फिजिकल एजुकेशन में। जैसे कि अब मान लीजिए किसी आसन की आपसे विधि पूछ ली गई है, उसके लाभ पूछ लिए गए हैं और फिर उसके सावधानी पूछ ली गई है, तो फिर आप टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने विधि भी लिखी है, लाभ भी लिखे है, सावधानी भी लिखी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप आंसर डाल लेंगे ऐसे ही, ये क्वेश्चन नंबर होगा, फिर पार्ट, पार्ट मतलब भाग कौन सा है ये, तो वो डाल लेंगे अगर पार्ट दे रखा है तो, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन नंबर डालना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि विधि बोल रखी है तो पहले आप यहाँ पर विधि लिख देंगे, जो भी आसन है वो आसन लिखकर विधि लिख देंगे। तो ये चीज कहां पर लिखनी है आपको, आंसर के जस्ट नीचे बीच में लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद फिर आपको जो है विधि लिखने के बाद, मान लीजिए यहां पर विधि लिख लिया आपने, और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद लाभ बोल रखे हैं तो आप लाभ भी ऐसे बीच में डालेंगे, हो सके तो आप ऐसे गोला कर दीजिएगा, इससे अलग से दिख जाएगा टीचर को, ठीक है। पर लाभ ऐसे अगर छोटी चीज है तो आप गोला कर सकते हैं उसे, अगर कोई चीज बड़ी है मतलब इतनी बड़ी लिखी है तो उस चीज को आप अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो बस आप बीच में लिख दीजिए वही काफी होगा। फिर उसके बाद जैसे कि सावधानी, इसी टाइप से जहां पर सावधानी खत्म, जहां पर लाभ खत्म हो रहा है उसे एक लाइन छोड़कर सावधानी लिखनी है, फिर सावधानी लिखनी, जैसे कि अब यहाँ पर लाभ जो विधि लिखी है ऊपर वाली लाइन खाली है, नीचे वाली लाइन खाली है, फिर से विधि लिखनी है, ठीक। बहुत बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसका सब पॉइंट भी दिया होता है आपको, सब पॉइंट, जैसे कि ट्वेल्थ, अब मान लीजिए मैं कोई भी क्वेश्चन नंबर ले लेती हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है, ठीक है, ट्वेल्थ का क्वेश्चन नंबर और उसका ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ए पार्ट में भी आपको पार्ट डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि ट्वेल्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है, ए पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट, तीन पार्ट दे रखे, फिर बी पार्ट, बी जो है वो स्टार्ट कर रखा है, तो सब पॉइंट हो गया, मतलब कि ए का भी दे रखे हैं पार्ट्स। तो इनको कैसे लिखेंगे आप, इनको भी वैसे ही लिखेंगे, क्या करेंगे आंसर नंबर डालेंगे यहां पर, कौन सा है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है आंसर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं 12, और आपका कौन सा पार्ट नंबर है ए कर रहे हैं, तो ए डालेंगे, दोनों को गोला कर देंगे। अब इसका फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट कर रही हूं इसका, तो फर्स्ट डालेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप ऐसे करके ऐसे बॉक्स बना देंगे, ठीक है। और फिर जब ये खत्म हो जाएगा और फिर आप सेकंड स्टार्ट करेंगे, तो ये मान लीजिए यहां पर खत्म हो गया इतना आंसर, फिर आप सेकंड करेंगे इसका स्टार्ट, ट्वेल्थ क्वेश्चन का ए पार्ट का आप सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, फिर यहां पर भी ऐसे बॉक्स बना देंगे, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ टिप्स हैं, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, टीचर्स है उसको इम्प्रेस कर सकते हैं अपने आंसर शीट से, क्योंकि जो टीचर है वो आपको नहीं जानती आपकी शक्ल को, कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। जो टीचर के सामने शीट होगी आंसर शीट, उसी से पहचानेगी कि आप इंटेलिजेंट है कैसे है। ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो उसे सब कुछ आता है पर अटेम्प्ट करना नहीं आता है एग्जाम, कि किस प्रकार से अटेम्प्ट करके आया जाए एग्जाम। तो इससे क्या होता है
जो उनका इम्प्रेशन है अगर वो खराब होगा तो टीचर को क्या लगेगा, बच्चों को अटेम्प्ट करना नहीं आता एग्जाम, तो उनका मूड ऑफ स्टार्टिंग में हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो है आपके मार्क्स आप ज्यादा गेन कर पाएंगे, क्योंकि आप टीचर को इम्प्रेस कर लेंगे, टीचर को लगेगा कि आप इंटेलिजेंट हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।